चलो ये ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन है, तो पता करना है कि स्किन कैसे बनी हुई है, ठीक है? ये होमवर्क है, सर्च करना है या ढूंढना तुम्हें, है ना? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट? दो लेयर्स होती है स्किन में, पता ही होगा आपको, मेकिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आज है कि जो हम फूड खाते हैं, है ना, फूड में आपने सुना होगा कि प्रोटीन्स होते हैं, है ना, सबने सुना है, विटामिन्स होते हैं, है ना। हाँ, बोन्स तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, बहुत कुछ है बोन्स में। आई एम कंसर्न अबाउट स्किन, स्किन कैसे बना है? कार्बन तो नहीं है, कार्बन है बट कार्बन, अरे कार्बन सिर्फ होगा तो ब्लैक कलर का होगा ना, मतलब कोयले ऐसा होगा ना, प्योर कार्बन क्या है, कोयला है, हमारी स्किन काली नहीं होती, मतलब कोयले ऐसी नहीं होती, है ना। इसमें जो तो थर्ड कंपोनेंट है वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता करना है कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। और आपको ये भी पता करना है कि क्या इनमें से कोई स्किन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है फैट्स, फैट्स भी खाते हैं हम लोग, है ना, जैसे आप लोग नॉनवेज वगैरह अगर खाते हो, नॉनवेज में फैट होता है बहुत सारा, है ना। उसके अलावा जो भी हम ऑयल खाते हैं, है ना, कोई भी ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में फैट होता है। तो फैट्स क्या हैं, आपको ये पता करना है कौन से एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, आप अपनी बुक्स देख सकते हो या तो फिर पेरेंट्स से पूछ सकते हो, नहीं तो गूगल सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे एक शॉर्ट नोट चाहिए सब पे, है ना, ये जो चार कंपोनेंट्स दिए मैंने आपको, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इसमें शॉर्ट नोट कितने लाइन का? 5 लाइन्स का शॉर्ट नोट, है ना, 5 to 10 लाइन्स का। ये आज का होमवर्क है आपका, है ना, ठीक है। और जब आप ये चारों पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा स्किन का मेन कंपोनेंट क्या है, ठीक है। ओके, चलो H2O की बात करते हैं। H2O पानी है, हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट है, मोर देन 70% ऑफ बॉडी क्या है, वाटर है। ये पता होगा शायद बच्चों को हमारे, हमारी बॉडी का जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है, अपनी बॉडी का 70% से ज्यादा पार्ट क्या है, पानी है। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ओ एच एच होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज 8 एटॉमिक नंबर, वैलेंसी क्या होगी, 2.6, है ना, एक्चुअली कॉन्फिग्रेशन होगा 2.6, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन बना देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना देते हैं, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इनके ड्यूएट्स पूरे हो गए, इनका भी ड्यूएट पूरा हो गया, ही इज हैप्पी, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन भी हैप्पी है। मैंने लुईस ऑक्टेट रूल बताया था लास्ट क्लास में बेटा, यस और नो? मैंने लिखा है ना लुईस ऑक्टेट रूल, आप लोग नोट्स पढ़ रहे हो कि नहीं ये बताओ मुझे, सब लोग नोट्स पढ़ रहे हैं? हाँ ओके, मैंने लिखाया था लुईस, लुईस के हिसाब से एटम स्टेबलाइज व्हेन इट अचीव्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम इन द आउटर मोस्ट शेल। चाहे तो लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल, है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस थिंग इज कॉल्ड दिस थिंग इज कॉल्ड लुईस ऑक्टेट रूल। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, आदित्य तू बता बेटा, इलेक्ट्रॉन सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कैप्चर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? बोलो, क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकता हूं? तुम्हें से कोई बताओ सोच के कि इलेक्ट्रॉन सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग बोलते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता, डर लगता क्या मेरे से बात करने में?
अंचल बेटा आप बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या होता है एग्जैक्टली? अंचल अंचल बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है? देखा तूने कभी ऐसे सपने में आया हुआ इलेक्ट्रॉन? नो सर। अच्छा, किसने देखा है सपने में इलेक्ट्रॉन को? मेरे सपने में तो रोज आता है सर वो सपने में नहीं, एटम में होता है। नहीं ना? अच्छा, सपने में नहीं आता है। ओके, कोई अच्छा रियल लाइफ में कहीं यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम? इलेक्ट्रिसिटी में होता है। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली होता क्या है, जैसे तुमने एक सेल लिया, बहुत छोटा एग्जाम्पल जो हम घर पे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना? हमने एक छोटा सा सेल लिया, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। कभी भी आप सेल लेना, उस पर लिखा होता है। हमने क्या किया, इससे एक बल्ब को कनेक्ट किया है ना, एक छोटा सा बल्ब लिया एलईडी वाला, उस एलईडी को मैंने कनेक्ट किया। तो जैसे ही आप एलईडी कनेक्ट करते हो, व्हाट हैपेंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और इस एलईडी बल्ब के थ्रू होके फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तभी ये बल्ब जलता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए वापस जाके यहाँ पहुंच गए, तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? और उन्हें रियल लाइफ में, जैसे तुमने बताया, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। और कोई एग्जाम्पल पूछूं मैं, थोड़ा सा हाई फाई एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा नहीं होगा बच्चों ने ऑब्वियसली, बट सुना होगा, सबने सुना हुआ है या नहीं ये बताओ। सबने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सुना है यस, एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है ना, यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना? कितने स्मॉल, जिनकी डायमेंशन 10⁻¹⁹ मीटर या से लेके 10⁻¹⁷ मीटर तक, समझ आ रहा है ना? बहुत छोटा हो गया, ये एटम के साइज का हो गया। और एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटॉमिक साइज देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, है ना? सबको मेरा ब्राउजर दिख रहा है बेटा, यस और नो? यस सर। हाँ, देखो इसमें इसमें ये जो तुम्हें इमेजेस दिख रही हैं सारे, ये सारे इमेजेस सैम से लिए गए हैं, है ना? सैम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो बड़ा सा इमेज दिखा है ना? तो ये जो इमेज है, इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये या तो इस कई बार सिंगल एटम होते हैं या यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है, हो सकता है इसमें 5-6 एटम्स हो, है ना? दिख रहा है सभी को? तो ये 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ आप समझते हो? 5 माइक्रोमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁶ मीटर। तो उस रेंज का चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सामने देख रहे हो, ये बेसिकली डायमंड का एक सरफेस का इमेज है। ठीक है, ये डायमंड का सरफेस है, यहाँ पे ये भी डायमंड का सरफेस दिख रहा है, ये भी डायमंड का सरफेस है ना? ये भी अगेन डायमंड का सरफेस है। डायमंड के अलावा आप और भी मॉलिक्यूल्स देख सकते हो ना, जैसे बोरॉन, डोप, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप लोग, ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखना भी ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं आपको ना, ये 100 माइक्रोमीटर से, 100 माइक्रोमीटर मीन्स 100 × 10⁻⁶ मीटर,
तो ये सब जो इमेजेस दिए गए हैं ये सब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं ना। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट सोर्स के लिए हम किसी लाइट को यूज नहीं करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, ये बात हम लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यहां पे लिख देते हैं, वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम, वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम एज ए सोर्स ऑफ लाइट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एज ए सोर्स ऑफ लाइट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक्चुअली वो अपने प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इतना इतना बढ़िया रेजोल्यूशन होता है। चलो फिर वाटर हो गया, इसके बाद अमोनिया देखते हैं। अमोनिया देखो, अमोनिया जानते हो सब लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला अमोनिया का? बोलो बेटा, अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? NH4 NH4 इज नॉट अमोनिया। आदित्य आप बताओ बेटा, व्हाट इज अमोनिया? सर, संतोष, NH3 NH3, वेरी गुड, अमोनिया इज NH3 है ना, अमोनिया इज नथिंग बट NH3 NH3, यस NH3 सही है। ठीक है, अब किसी ने NH4 बताया, वो एक्चुअली अमोनियम होता है। ठीक है, जैसे आप देखो अमोनियम, तो अमोनियम आयन होता है एंड दैट इज NH4+। ठीक है, NH4 भी नहीं होता, वो NH4+ होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो NH4Cl, तो इसका मतलब ये लिखा है अमोनियम क्लोराइड लिखा है। क्या लिखा है ये? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में डिफरेंस है, ये अमोनियम आयन में डिफरेंस है। अमोनिया जो होता है वो NH3 होता है। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? नाइट्रोजन इज 7, कॉन्फिगरेशन विल बी 2.5, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं मुझे, 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 1 2 3, सबका डुएट पूरा हो गया हाइड्रोजन्स का। ठीक है, और नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। दिस इज NH3। अगर हम बॉन्ड सिस्टम बनाना चाहें तो एन एच एच और एच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, इट्स कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं ये बताओ आप लोग मुझे, अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका जो पहला यूज है वो है एज ए कूलेंट यूज करते हैं हम लोग, है ना, एज ए कूलेंट इन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें अमोनिया को एज ए कूलेंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर हम तो CFC यूज करते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, बट हम, प्लीज म्यूट कर दो बेटा, आपको लग रहा होगा कि हम CFC यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट अमोनिया को भी एज ए कूलेंट यूज किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। दूसरा जो यूज है वो है, इट इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, इट इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। क्लियर है ना, और कई सारे एक्सप्लोसिव्स भी बनाए जाते हैं, ये भी लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोसिव्स।
एक्सप्लोसिव्स डिफेंस यूज में तो करते ही हम, है ना। उसके अलावा बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है एक्सप्लोसिव्स का, ठीक है। जब हमें कोयला निकालना होता है या फिर आयरन ओर निकालना होता है तो उन माइनिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव्स। चलो अमोनिया हो गया। एक और मैं स्ट्रक्चर बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। नोट करोगे आप लोग, इतना नोट कर लो एक बार, नोट करो अमोनिया के बारे में। नोट कर लिया सभी ने? चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे अपन। उस एग्जाम्पल का नाम है एसिटिक एसिड। कितने लोग फॉर्मूला जानते हैं बताओ मुझे? एसिटिक एसिड या फिर इसे विनेगर भी कहते हैं, वो विनेगर का मेन कंपोनेंट होता है ये। व्हाट इज एसिटिक एसिड? बोलो बेटा। H3COOH। वेरी गुड, CH3COH, है ना, एसिटिक एसिड हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं एक बार। इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा मेमोराइज करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, CH3, है ना, C डबल बॉन्ड OOH, है ना। देखो एसिड के लिए हमेशा COH ऐसा ही होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया, कोई भी एसिड हो, ठीक है। तो ये मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया, आप चाहो तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है बनाना। कैसे बनाएंगे? सी, है ना, इसके चार इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4। उसका दूसरा कार्बन बनाना है, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ बना देते हैं, ओ बनाया, 1 2 3 4 5 6, और फिर एच बना दिया, ठीक है। ओके,
इसके अलावा एच बना दो, एच बना दो, यहाँ भी एच बना देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो सभी का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। और दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरीके से एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। विनेगर यूज क्या करते हैं, विनेगर को हम कई जगह यूज करते हैं। एक तो इसका इसको हम पिकल्स में डालते हैं, यूज्ड इन पिकल्स, है ना, पिकल्स में यूज करते हैं। दूसरा हम चाइनीज फूड बनाते हैं उसमें यूज करते हैं इसको, ना। चाइनीज फूड में नूडल्स हो गए, मैगी हो गया, एटसेट्रा, है ना, नूडल्स हो गए, मैगी हो गया, ये सब में पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा इट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव, है ना, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब फूड में डाल देते हैं, फूड खराब नहीं होता काफी टाइम तक, एसिडिक होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, फूड में तो होता ही है ना। मैंने 2 3 वैरायटी ऑफ फूड्स बताए, बहुत सारे फूड्स में विनेगर डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस कंपाउंड है, आजकल काफी लाइन लग रही है उसके लिए, कौन सा कंपाउंड है वो, तो काफी लाइन लगा रहे हैं, व्हाट इज इट, यस अल्कोहल। इट्स एथेनॉल, या इसी को लिकर बोल सकते हैं या अल्कोहल बोल सकते हैं ना, लिकर नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो लंबी लाइन लग रही है ना शॉप से सामने, वो इसी के लिए लग रही है कि अल्कोहल पीना लोगों को, ठीक है। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में जाके हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा नशा टाइप का होता है, ठीक है। उसी को लोग बोलते हैं कि चलो ये जो पर्सन है वो ऐसे नशे में है ना, या फिर हाई हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, क्योंकि ये जो अल्कोहल सब्सटेंस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में ऐसा कंजम्पशन किया अल्कोहल का तो ये हमारे किडनीज को और लीवर को अफेक्ट करता है ना, लीवर बहुत जल्दी खराब होता है अगर आप रोज अल्कोहल पी रहे हो, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द लीवर, ठीक है। तो वैसे आजकल फैशन है सोसाइटी में, बट इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर हेल्थ, ठीक है। इवन कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे तो नहीं है, बट कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, बट अल्कोहल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। मतलब आप समझ लो एवरी ईयर लगभग 1 से 2 लाख लोगों की डेथ होती है पूरे इंडिया में अल्कोहल से, ज़्यादा ओवर कंजम्पशन से। एक और प्रॉब्लम इसमें है, जब अल्कोहल बनता है तो बनाने के मेथड के टाइम पे हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो इन दैट प्रोसेस एथेनॉल में से हम मेथेनॉल को रिमूव करते हैं। मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल भी यही बना देता हूं मैं, CH3OH, इसको हम मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं, या इसी को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो जब अल्कोहल बनाया जाता है तो दोनों सब्सटेंस बनते हैं, है ना। ये एज ए ड्रिंक यूज होता है, यूज्ड एज हार्ड ड्रिंक, ठीक है। दिस इज यूज्ड, यूज तो नहीं, ये पॉइजनस होता है बेसिकली, ना। पॉइजनस इन नेचर, है ना। तो जब अल्कोहल मैन्युफैक्चर करते हैं, अल्कोहल बनाने का मेथड क्या है, हम शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन कराते हैं, है ना। शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन कराते हैं यूजिंग ईस्ट एज ए फंगस, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के टाइम पे ये तो बनता ही है एथेनॉल, साथ में मेथेनॉल भी बनता है, दोनों के सेपरेट करने के लिए इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाता है। उसके बाद प्योर अल्कोहल बनता है जो मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है ना। जो मार्केट में हमें अल्कोहल मिलता है बेटा, वो 40 to 50% के आसपास होता है ना, 40 to 50% अल्कोहल होता है उसमें बाय वॉल्यूम, और साथ में क्या होता है, पानी होता है। अभी लोगों ने क्या किया, गांव में लोग क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन लिया, जैगरी लिया, उसका फर्मेंटेशन कराया, अल्कोहल बनाया, और अल्कोहल बनाने के साथ साथ मेथेनॉल भी बना लिया,
और उसको पी गए। अगर कम अमाउंट में हुआ मिथेनॉल तो ब्लाइंड हो जाते हैं, ज्यादा हुआ तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाता है ना, समझ में आ रहा है? तो इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। आप अपने शायद सुनाओ में भी बहुत बहुत ही कॉमनली न्यूज निकलती है हूज करके, हूज ट्रेजेडी बोलते हैं ना। तो हूज ट्रेजेडी का मतलब यही होता है कि कुछ लोगों ने ऐसा अल्कोहल पिया जिसमें मेथनॉल था, है ना, और वो उससे डेथ हो गई, है ना। डेथ ड्यू टू मेथनॉल कंजम्पशन, इसको हम हूज ट्रेजेडी बोलते हैं, है ना। अपने मुंबई में काफी पॉपुलर है ये, है ना, मुंबई में खूब ऐसा फेक वाला अल्कोहल मिलता है, ठीक है। पहली बात तो पीना ही नहीं है, पीना है तो भी सही जगह से लेके, है ना। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगा एथेनॉल का स्ट्रक्चर। CH3CH2OH है तो सी एच हो गया CH3, CH2 हो गया, ठीक है, और OH हो गया। ये हमारा हो गया एथेनॉल। मिथेनॉल बहुत इजी बनाना, CH3 हो गया और यहाँ पे OH हो गया, ठीक है। क्लियर है बेटा? ध्यान रखेंगे एक एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। कभी सुना है किसी ने? बताओ, डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल किसने सुना है तो बताओ मुझे, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल? बताओ आदित्य, तुम बताओ बेटा। नहीं पता बच्चों को, चलो देखो। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना, इंडियंस बहुत होशियार हैं, इंडियंस का जो दिमाग है वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलता है। तो पहले क्या होता था, पहले जो अल्कोहल था ये दो तरीके से सेल होता था, है ना। एक था सर्जिकल अल्कोहल, सर्जिकल अल्कोहल मतलब जो मेडिकल यूज में होता था, जैसे कोई कोई पेशेंट है उसको चोट लग गई तो उसके घाव जो वुंड्स होते हैं उन्हें अल्कोहल से क्लीन करते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो मैं से अगर किसी के पेरेंट डॉक्टर हो तो उनसे पूछना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें यूज करने से पहले अल्कोहल से क्लीन किया जाता है। उससे होता क्या है, जितने बैक्टीरिया वगैरह वो से मर जाते हैं, ठीक है, जितने वायरस हैं वो सब वहां से गायब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो अल्कोहल होता है वो होता है कंजम्पशन वाला अल्कोहल, है ना, कंजम्पशन के लिए जो यूज होता था। तो ये जो कंजम्पशन वाला अल्कोहल था ये हाईली टैक्स था। हाईली टैक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें 200% टैक्स होता था, ठीक है। और ये जो सर्जिकल अल्कोहल था ये क्या था, ये टैक्स फ्री था। तो इनिशियली क्या होता था, इनिशियली दोनों अल्कोहल जो होते थे वो मार्केट में बिकते थे। अभी किसी को पता लग गया कि भाई सर्जिकल वाला जो है वो भी अल्कोहल है, वो भी प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये अल्कोहल खरीदना स्टार्ट कर दिया। एक बॉटल खरीदी, उसमें एक बॉटल पानी मिलाया, पी गए, समझ में आ रहा है ना। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस होने लगा, टैक्सेस का लॉस होने लगा। कंजम्पशन वाला अल्कोहल क्या होता है, महंगा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सर्जिकल अल्कोहल में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाने लग गए जिससे कि वो पीने लायक ना रहे, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इन द सर्जिकल अल्कोहल, सर्जिकल अल्कोहल सम substances are added, substances like copper sulfate, ठीक है, methanol, in the surgical alcohol some substances like methanol, copper sulfate और toluene, toluene तो नहीं ऐड करते हैं, यही तो लिख लो आप लोग, है ना, आर एडेड टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड डी नेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में। समझ में आ रहा है सबको,
जो सर्जिकल अल्कोहल है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जिससे वो पीने लायक ना रहे, तो दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से इतने कंपाउंड्स काफी हैं, कोई और नया कंपाउंड आया तो हम डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन में आप ग्रेफाइट डायमंड लिख सकते हो, ठीक है। दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर जनरली मोर फ्लेमेबल देन एनी कंपाउंड्स, दे आर जनरली मोर फ्लेमेबल देन एनी कंपाउंड्स। फ्लेमेबल मतलब ज्यादा इजिली जलते हैं ये, है ना। नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लो, मैं इसको 2 पेज व्यू में कर रहा हूं ताकि आप नोट कर सको, है ना। नोट करो सभी लोग इतना।
नोट कर लिया सभी ने? चलो वैसे मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है? एक चीज देखो, किसी को पता ग्रेफाइट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? अरे तू तू बता मुझे बेटा, ग्रेफाइट क्या होता है? आदित्य, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ऑल्दो ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, बट इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऑल दो ग्रेफाइट इज ए कोवलिंग कंपाउंड बट इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सप्लेन। ये पूछा है मेरे से। तो पहले मुझे ये बताओ, आप लोग यार बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे, कि मेटल्स में कंडक्शन क्यों होता है? अंचल बेटा आप बताओ, व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ मेटल्स? सपोज मैंने कोई मेटल पीस ले लिया, है ना, मेटल पीस ले लिया और मैंने यहाँ पे एक एक वायर लगाया और यहाँ पे एक वायर लगाया, ठीक है? तो अगर यहाँ पे करंट आई जा रही थी वायर में, तो यहाँ भी करंट आई जा रही है। ये सपोज बोल देते हैं कॉपर का पीस था हमारे पास, तो यहाँ पे बीच में करंट कैसे पास होती है? एनी एनी आइडिया? बताओ एक बार मुझे। संतुष्टि आप बताओ बेटा, करंट कैसे पास हो रही है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं जो मेटल में बॉन्डिंग होती है वहां से, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ई माइनस लिख रहा हूं, तो जैसे ही आप कोई करंट पास करना चाहते हो, करंट पास करने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पोटेंशियल लगाया, तो जैसे ही आप पोटेंशियल लगाते हो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो करंट के अपोजिट होता है ना? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है ना? तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट कहाँ जाएगी? करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो इस टाइप से इस तरफ हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मेटल कंडक्शन होता है। व्हाट अबाउट ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है ना? ग्रेफाइट जो है वो कार्बन है बेसिकली, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल के फॉर्म में होता है। जैसे आपने मधुमक्खी का ये देखा है क्या, छत्ता देखा है, हनीकॉम बोलते हैं इसको, है ना? हनीकॉम बोलते हैं, तो कुछ टाइप से होता है। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं बनाने की, आप समझने की कोशिश करना बेटा, है ना? ठीक है, तो ये ग्रेफाइट की वन लेयर है ना? इट इज द वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट। तो ऐसी बहुत सारी लेयर्स मिली क्या करती हैं, ग्रेफाइट का बल्क बनाती हैं। ये सब कार्बन से है ना? ये जहां जहां आपको ये ऐसे कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये सब कार्बन से, ठीक
ठीक है, तो सारा कार्बन से बना हुआ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इन लेयर्ड्स में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है ना। इसमें क्या होते हैं, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बल्क ऑफ ग्रेफाइट, इन द बल्क ऑफ ग्रेफाइट सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, है ना, सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। और जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, कंडक्शन भी होगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो मान लो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से कभी यहां जाएगा, यहां से कभी यहां जाएगा, यहां से कभी यहां जाएगा, तो इस टाइप से क्या होगा, कंडक्शन होता रहेगा हमारा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे कंडक्शन हो रहा था। ठीक है, इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, नोट कर लो, मन करे तो नोट कर लो, ये अच्छा टॉपिक है कि ग्रेफाइट में क्यों कंडक्शन होता है। ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम ग्रेफाइट को एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं अपने सेल्स में। आपने कभी अगर सेल तोड़ा हो तो आपको दिखा होगा। हो गया सर। ठीक, समझ में आना सबको, क्लियर है। यस सर। अच्छा, डायमंड में करंट पास होगा क्या, डायमंड के अंदर से करंट पास होगा। चलो तुम्हें एक चीज बता देता हूं मैं, इसे मैंने कार्बन लिया, तो कार्बन के जो है इसके कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, कई सारे एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप समझते हो आप लोग, एलोट्रॉप का मतलब होता है कि उसी मेटेरियल से बना हो बट दिखने में डिफरेंट हो, या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है चारकोल, जिसको हम कोयला बोलते हैं। दूसरा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, अभी मैंने बताया कैसा स्ट्रक्चर है। तीसरा जो एलोट्रॉप है वो है डायमंड, और चौथा जो एलोट्रॉप है वो
वो है बकी बॉल, या इसको बक मिनिस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं। बकी बॉल, जैसे को हम फुलेरिन भी बोलते हैं, जैसे को हम फुटबॉल कार्बन भी बोलते। जनरली जब एलोट्रॉप्स की बात होती है तो हम ग्रेफाइट डायमंड और बकी बॉल की बात करते हैं, चारकोल की बात नहीं करते हैं ना। चारकोल इज नथिंग बट अपना कोयला जो माइन से निकलता है। इन सब में डिफरेंस क्या है? इन सब में जो डिफरेंस है वो है स्ट्रक्चर का डिफरेंस, है ना। तो इसमें चारकोल ये नॉन कंडक्टिंग होगा, सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा है जो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलग से लिखता हूँ उसको, यहाँ पे नहीं लिखता। ऑफ ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ओनली ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सिर्फ ग्रेफाइट जो है वो कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, रेस्ट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब कोई भी कंडक्शन नहीं होता। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो बताओ इसमें। अच्छा, डायमंड निकलता कहां से? एनी गैस? डायमंड कहां से निकलता है? मूलामूथा रिवर में पाया जाता है ना आदित्य? रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग? आज बच्चों ने खाना नहीं खाया क्या? एनर्जी लो है आज बच्चों की, है ना, चॉकलेट भी नहीं खाई। आदित्य, कोल माइंस में, गोल्ड माइंस में निकलता है? बाप रे बाप, गोल्ड माइंस से गोल्ड निकला कि कोल कोल माइंस से कोल निकलता कोल है? अच्छा, कोल माइंस से निकलता है, फिर ठीक कह रहे हैं। जो डायमंड्स होते हैं वो कोल की माइंस में ही पाए जाते हैं ना। चारकोल भी वहीं से निकलता है, ग्रेफाइट भी वहां से निकल सकता है, ग्रेफाइट बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली, डायमंड भी वहीं से। बकी वॉल हम लैब में बनाते हैं, जो बकी वॉल है इस मेड इन लैब। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप खुद ही बना के देख सकते हो। ये ग्रेफाइट भी नेचुरली अकर करता है कई बार, डायमंड भी करता है, चारकोल भी करता है, बट बकी बॉल को हम लैब में बना सकते हैं। अब आज का जो नया टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स। आप लोग मुझे खुद ही बताओ, मुझे दो दो एग्जांपल बताओगे आप लोग आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। ये सेकंड हमारा बॉन्डिंग है, तो आदित्य मुझे बताएगा। बताओ बेटा दो एग्जांपल्स, तो भी दो एग्जांपल्स आयनिक कंपाउंड्स के। आदित्य बताओ। चलो एक मैं हेल्प कर देता हूँ। एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ये हमारा आयनिक होता है। इसके अलावा बताओ, घर पे खाने वाला नमक कौन सा होता है? घर पे खाने वाला नमक कौन सा होता है? टाटा सॉल्ट, देश का नमक। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट? बोलो नहीं रही है। घर पे जो नमक खाते हैं हम लोग, घर पे जो नमक खाते हैं कौन सा सर? कंपाउंड है? NaCl। NaCl है, वेरी गुड, NaCl होता है ना। इसके अलावा चलो तुम बताओ आंचल, कोई दो कंपाउंड्स आयनिक वाले? लिथियम क्लोराइड। LiCl नहीं है बेटा, है ना। NaCl के बजाय हम KCl बोल सकते हैं। एक्चुअली तुमने सही सोचा, बट LiCl एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है।
NiCl जो होता है वो कोवेलेंट, ध्यान रखना आज का, ठीक है? वो पूछा था एग्जाम, यस सर। ये एक्सेप्शन है, जैसे हमारे घर में होता है ना, सब लोग अच्छे लोग हैं, एक टेढ़ा इंसान निकलता है, जैसे मेरे घर का टेढ़ा इंसान मैं हूँ, ठीक है? वैसे ही एक्सेप्शनल इंसान ये एलआईसी है, ठीक है? लिथियम जो है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपाउंड हुआ, एक्सेप्शन है ये, कोवेलेंट, ठीक है? एनए के नीचे सारे केसीएल हो गया, आरबीसीएल हो गया, सब क्या हो गया आयनिक। संतुष्टि आप बताओ बेटा, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH, वेरी गुड। और बता, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड कह सकते हैं, वेरी गुड, ये भी सही है। दुनिया के सारे सोडियम कंपाउंड्स आयनिक होंगे, कंफर्म, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड आर आयनिक, मैं आग बंद कर देता हूं, ठीक है? एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड आर आयनिक, आयनिक बोल सकते हैं, आयोनिक भी बोलते हैं कई लोग, है ना, स्टाइल में थोड़ा सा। ये कौन है यार, ये शक्ति चंद राठौर, बेटा नाम बताओ अपना, वैष्णवी, वैष्णवी बताओ बेटा, दो आयनिक कंपाउंड्स के नाम, HCl, HCl इज अगेन कोवेलेंट, है ना, HCl जो है वो वैसे पानी में आयनाइज होता है बट वो कोवेलेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तुम, मतलब कोशिश तुम सही कर रहे हो बट कुछ एक्सेप्शन है, HCl भी वैसे ही कुछ है ना, ये भी कोवेलेंट होता है। MgO, हाँ MgO, वेरी गुड, MgO, MgO सही है, और बता, इसके अलावा MgCl2 बोल सकती है ना, MgBr2 बोल सकती है, AlCl, AlCl3 बोल सकती है, AlCl3 भी नहीं लेते हम, थोड़ा कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा मिक्स नेचर इसमें, बट इसको भी हम यहाँ नहीं लेंगे, इसको जनरली कोवेलेंट कंसिडर करते हैं। इसके अलावा मैं सीजियम क्लोराइड ले सकता हूँ, CaCl, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक बॉन्ड बताने से पहले मैं इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आज बहुत लोग नहीं आए, जोया नहीं है और चार पांच बच्चे नहीं है, पता नहीं लोगों को लग रहा है ऐसी क्या करेंगे पढ़ते, जबकि जो भी पढ़ा रहा हूँ बेटा सब इम्पोर्टेंट है ना, सब NTSC वगैरह में खूब आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, और ये इतना अच्छा टाइम मिल रहा है हमें पढ़ने का, हमें यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो हमने जो ऊपर कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज लिखे थे, इन्हीं प्रॉपर्टीज की अपोजिट होती है, जैसे बयान लिखा था हमने, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देन पहला पॉइंट, दे जनरली हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दे जनरली हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब इतना हाई टेम्परेचर कर दो कि वो मेल्ट कर जाए, इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। As well as in aqueous solutions, ठीक है? तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशंस। आपको पूछना चाहिए सर ऐसा क्यों है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों है बताओ, क्या आंसर दोगे आप? Why they are good conductors? देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनमें, फिर भी कंडक्टर्स हैं, क्या कारण हो सकता है?
कॉज द चार्ज कैरियर्स आर आयंस इन दिस केस. वो छोटा एग्जांपल, वो छोटा सा एग्जांपल है. मैंने अपने बच्चों को एक सेटअप बनाया, एक सेटअप बनाया. इस सेटअप में मैंने लिया था प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, प्योरेट से निकला हुआ प्योर वाटर. और मैंने बच्चों को दूसरा सेटअप दिया, इसमें मैंने बच्चों को बोला अच्छा प्योर वाटर का मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ डिस्टिल वाटर से था, इसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं. और यहाँ पे जो वाटर था उसमें क्या है, थोड़ा पानी तो है ही, साथ में थोड़ा सा एनएसएल ड्रॉप कर दिया. ये हमारा वाटर प्लस एनएसएल सॉल्ट. ठीक, अब आपने क्या किया, एक डिवाइस लगाई, आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया. इलेक्ट्रोड मतलब एक मेटल का एक पीस डाल दिया, दूसरा मेटल का पीस डाल दिया, है ना. और आपने क्या किया, आपने एक सर्किट बनाया, एक सर्किट बनाया जिसमें यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, ठीक है, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया और यहाँ पे आपने ऐसे कनेक्शंस कर दिए. बैटरी है अपना प्लस माइनस है. सर बैटरी कहाँ से लाऊं, बैटरी घर पे या तो पुरानी घड़ी का सेल ले सकते हो आप, है ना, या तो मोबाइल की बैटरी लगा सकते, निकाल सकते हो. बट मोबाइल की बैटरी थोड़ी डेंजरस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयंस, सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज. आप सिंपल घड़ी का सेल ले सकते हो, ठीक है, कोई भी रिमोट खराब हो गया और रिमोट का सेल ले सकते हो, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. आप बस इलेक्ट्रोड्स नहीं तो बेटा चम्मच यूज कर सकते हो, जो घर पे स्पून होते हैं ना, स्पून ले लिया आपने, वायर ले लिया कॉपर वायर कनेक्शन के लिए प्लस माइनस. अब जब आप इसमें लगाओगे तो आप क्या देखते हो, ये तो भैया इस वाले केस में नो ग्लो, नो ग्लो मतलब बल्ब नहीं जला, बट इसमें क्या हुआ, बल्ब स्टार्टेड टू ग्लो, है ना, बल्ब में चमक आ रही है, बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जब हम सर्किट कंप्लीट करते, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कंडक्शन नहीं हो रहा, प्योर वाटर में कंडक्शन नहीं होता, देयर आर नो आयंस, या मान लो है आयंस तो बहुत कम. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड्स, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे अंदर का फ्लो कैसे मेंटेन होगा, या तो Na+ प्लस से, Na+ प्लस यहाँ से यहाँ मूव करेगा, या फिर Cl- माइनस यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा. बात समझ में आ रही है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में आयंस विल बी बिहेविंग एज चार्ज कैरियर्स. मान लो Na+ इधर से इधर फ्लो कर रहा है, Cl- कैसे फ्लो करेगा बेटा, Cl- जो हो जाएगा हमारा इधर से इधर फ्लो करेगा, तो चार्ज कैरियर से काम कर सर्किट कंप्लीट.
म्यूट था, आप लोगों ने बताया नहीं यार, ये तो म्यूट हो गया था, है ना। मैं कह रहा था कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे भी चार्ज कैरियर है और जो मॉल्टन स्टेट है वहां पे भी चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, और एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्शन होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सभी को? बीच में म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं चला। समझ में आया ना सभी को? हाँ सर। अच्छा चलो, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ, ओके। मैं कह रहा था एनटीसी के पेपर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार पेपर्स देखना कैसे आते हैं, ठीक है। और अभी सॉल्व मत करना, मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। पहले हम बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर यही रखेंगे, पहले बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे नंबर वन पे, उसके बाद फिर हम एनटीसी क्वेश्चंस करेंगे। आप डाउट्स कहीं से ही पूछ सकते हैं ना, किसी बुक से पूछ सकते, जो भी बुक आपके पास, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच ना, फिर मिलेंगे, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं।